राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड लिया है, 1757 से 1947 तक का, फिरंगियों के ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। उन महान क्रांति वीर वीरांगनाओं को मैं ला रहा हूं जो अज्ञात हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी, खेल गए अपने जीवन से, भारत माँ की प्रतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। पहले तो उनको भारत माँ के पवित्र शरीर पर पांव रखने दिया और रख लिया तो बाप बराबर झूझते रहे, संघर्ष करते रहे, मुकाबला करते रहे। बलिदान की एक श्रृंखला, बहुत बड़ी पंक्ति, समय समय पर मैं आपके सामने ये 615 16 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। अज्ञात ऐसे असंख्य, ऐसे अनसंग हीरोज, नायक नायिकाएं आज उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में एक नाम, एक नहीं, आज जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इसके अंदर एक मां का कमाल देखिए और उस मां के तीन बेटों का कमाल देखिए। चलिए, श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल अपनी मां से कुछ कह रहे हैं। मां, तुमने मुझे यही शिक्षा दी है ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए? हाँ बेटे, मैंने तुमसे बार बार यही कहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, पर आज तुमने मेरे सामने ये प्रश्न पूछा ही क्यों? और बेटा बोला, मां, यदि सच बोलने से किसी का अनिष्ट होता हो तो क्या उस दशा में भी व्यक्ति को सच बोलना चाहिए? मां के चेहरे पर किसी आशंका के भाव उभर रहे थे। उसने अपने 8 वर्षीय भूपेंद्र के मन को कुरेदते हुए कहा, तुम आज पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या बात है? साफ साफ क्यों नहीं कहते? और बेटा कहने लगा, बात यह है मां कि आज सुबह कुछ पुलिस वाले मुझे एक हलवाई की दुकान पर ले गए और मुझसे मिठाइयां खाने के लिए आग्रह करने लगे। वे मुझसे शचेंद्र दा के विषय में भी बहुत सी बातें पूछने लगे। शचेंद्र, और क्या पूछने लगे कि बोलो बताओ, वो शचेंद्र कहाँ कहाँ जाते हैं और किस किस के साथ रहते हैं? अपने बेटे का ये कथन सुनकर मां के चेहरे के भाव बदले, कुछ आशंका और कुछ औत्सुक्य के भाव से उसने भूपेंद्र से पूछना प्रारंभ किया। छोटा था ना, पता नहीं क्या बोल गया होगा। हाँ बेटे, तुमने अपने बड़े भाई के विषय में उन लोगों को क्या बताया और तुमने कौन कौन सी मिठाइयां खाई? मां, मैंने कोई मिठाई नहीं खाई, मैं किसी दूसरे के द्वारा दी गई वस्तुएं थोड़ा ही खाता हूं। और हां, मैंने उन पुलिस वालों से कह दिया था कि आप लोगों को मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ जानना है, उन्हीं से पूछ लेना, वे आपको सब कुछ सच सच बता देंगे, क्योंकि हमारी मां ने
सभी भाइयों को यही सिखाया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। यदि वे लोग फिर कभी तुमसे पूछताछ करें तो तुम उन्हें मेरे पास आने के लिए कह देना। माँ ने अपने बेटे से जब ये सारी बातें सुनी तो अनिष्ट की एक अव्यक्त आशंका से उसका हृदय भयभीत हो गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र सचेंद्रनाथ सान्याल की गतिविधियों पर उसे पहले ही संदेह हो रहा था। उसे संदेह था कि सचेंद्र क्रांति के पथ पर जा रहा है। उसे भय हुआ कि छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से प्रेरणा प्राप्त करके कहीं उसी पथ पर, उसी पथ का अनुसरण न करे। उसे मालूम था कि उसे पहले ही संदेह हो रहा था। उसे मालूम था कि आजकल बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ बना हुआ है। सचेंद्रनाथ सान्याल बनारस में ही पढ़ाई करने गया था, पढ़ाई तो एक बहाना था। और मां के मन को एकदम ऐसा लगा कि सचेंद्र वहां क्रांतिकारियों के गढ़ में चला गया है तो उसी पथ पर जा रहा होगा। हुआ वही जो होना था। सचेंद्रनाथ सान्याल की गिरफ्तारी बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत हुई और उसे आजन्म काला पाने की सजा हुई। आम माफी के फलस्वरूप कुछ वर्ष काला पाने की सजा काटकर उसे मुक्ति मिली सचेंद्रनाथ सान्याल को। पर जिस पर क्रांति का रंग चढ़ गया हो वह उतर कैसे सकता है भाई। सचेंद्रनाथ सान्याल को काकोरी केस के अंतर्गत भी फिर से आजन्म काला पानी का दंड मिला। कमाल। आश्चर्य की बात तो ये थी कि छोटे भाई भूपेंद्र नाथ सान्याल को भी, जो उस समय 8 वर्ष का था, वो मां जिसको सुन रही थी, सुना रही थी, ये छोटा भाई भूपेंद्रनाथ सान्याल को भी काकोरी केस के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। काकोरी कांड बहुत बार, बनारस षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, इनकी बहुत बड़ी चर्चा मैं आपके सामने पहले भी कर चुका हूं। इतना ही नहीं, भूपेंद्रनाथ को 5 वर्ष का कठोर कारावास, सचेंद्रनाथ सान्याल बड़ा भाई को दूसरी बार काला पानी का दंड, काला पानी घोर लार किए। आप कल्पना भी करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, इतना ही नहीं, एक अन्य भाई जितेंद्र नाथ सान्याल भी उसी पथ पर चल पड़ा। मां को सब मालूम था। माँ का कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप में इन सारे तीनों बच्चों पर आशीर्वाद था। जिस भारत माँ की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तीन तीन भाइयों का इस प्रकार का शौर्य और वीरता से भरा हुआ स्वर्णिम पृष्ठ लिखने को मिल रहा हो, पढ़ने को मिल रहा हो, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कितने ही असंख्य अज्ञात, अल्प ज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात कितने क्रांतिवीर वीरांगने आहुत हो गई हो, प्रतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया हो, देश विदेश में सब आयु वर्ग के लोग, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोगों ने सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेज सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने का साहस
भरा कारनामा करने वाले वो लोग कुछ फांसी के तख्तों पर झूल गए, कुछ जेलों के अंदर, जेलों में लंबी कठोर कारावास की कठोर यात्राएं सहते सहते दम तोड़ गए, और कुछ काला पानी। एक तो क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को दो जन्म की हुई थी, एक ये भाई थे, ये शचिंद्र नाथ सान्याल के दो भाई तो क्रांति पथ पर थे खुद, जिनको एक बार मिली तो एक आम हुआ करता था, फैसला किया करते थे कि अभी इन कैदियों को मुक्त करना है, तो ऐसा आम माफी एक उनकी तरफ से रहती थी। ऐसा एक उस समय 500 बार ये हुआ है, उसमें छूटने के बाद घर बैठ सकते थे शचिंद्रनाथ सान्याल, चुप कर सकते थे ना, हो गया ना, बहुत हो गया ना। अरे काला पानी का दंड भुगतने के बाद तो कोई दूसरी बात आ ही नहीं सकती कि अच्छा मैं बच के आ गया, बस बहुत है, कर लिया नहीं। फिर से उनको काकोरी केस के अंतर्गत शचिंद्रनाथ सान्याल को फिर से आजन्म काला पानी का दंड। कितना कुछ हो रहा था इस 190 वर्ष के, मैंने लगभग ऐसे 1500-1600 क्रांति वीर वीरांगनाएं आपके सामने लाई हैं, जिनका नाम कहीं नहीं है इतिहास में, कहीं उनको नहीं लिखा गया, पढ़ा गया और हमें बताया गया। आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। एक लाठी नहीं खाई उन्होंने, जिनकी जेलें भी सुविधाओं से परिपूर्ण थी, और कब जेल जाना और कब वापिस आना है सब तय था। मोतीलाल नेहरू क्या कर रहे थे, मैं कई पृष्ठ उसके आपके सामने ला चुका हूं। नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, ये मैं बता चुका हूं तथ्यों के साथ, और गांधी स्पॉन्सर्ड था कि नहीं था, लेकिन नेहरू तक पहुंचने के लिए, गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग करने के लिए उनको गांधी सूट करता था। कांग्रेस को गांधी ने नहीं बनाया भाई, कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज सर एओ ह्यूम इटावा का कलेक्टर वो बना रहा था, और शुरू शुरू में कौन लोग आए थे, वो क्या करते रहे, ये इतिहास में कई बार आप लोगों के सामने ला चुका हूं। हाँ, इन अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम, स्मरण करने का काम, और आज की पीढ़ी तक उनकी कुर्बानियां, उनके बलिदान पहुंचाने का काम मैं जिस निष्ठा श्रद्धा के साथ कर रहा हूँ, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।